बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट ये चीज वाली मठरी या चिजलिंग्स या चीज बाइट भी आप इसे कह सकते हैं, तीन अलग अलग फ्लेवर में बनाएंगे, एक से बढ़कर एक सबका फ्लेवर है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या परफेक्ट ये फूल गया है। इतना हमेशा नहीं फूलता है, ये क्यों फूला ये आप वीडियो में जानेंगे। तीनों ही फ्लेवर बनाने के लिए तीन अलग अलग मसाले हमने बनाए, जस्ट 30-40 सेकंड में आप बना सकते हो, लेकिन स्वाद एक से बढ़कर एक आएगा। और इसे एक बार बनाकर आप पूरे महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हो। आपने चीजलिंग्स तो खाई होंगी ना, प्लेन फ्लेवर भी आपको मिलेगा। ज्यादा चीजी फ्लेवर चाहिए उसके लिए क्या करना है वो भी आगे बताती हूँ, चलिए देखते हैं। इस बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप जितना मैदा, पहले से 1 कप है ही, ये अब फिर से मैंने डाल दिया। इसी में से 1 टेबलस्पून जितना मैदा मैंने बचा लिया है, आगे हम डस्टिंग में यूज करेंगे। अब एक दूसरे बोल के अंदर मैं ले रही हूँ लगभग 2 चम्मच जितनी सूजी, बिल्कुल फाइन सूजी है, बारीक वाली। 2 टेबलस्पून सूजी लेनी है और इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड कर देना है। सूजी पानी में बढ़िया से डूब जाए बस उतना ही आप पानी डालें। इससे क्या होगा, सूजी पानी में बहुत ही अच्छे से भीग जाएगी। हम इसे साइड में छोड़ते हैं। मैदा के अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो हम पकौड़े भजिया बनाने में यूज करते हैं उसका यूज करेंगे। 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा है, हाथ में डाल के दिखाती हूँ, अंदाजा आ जाएगा आपको। ये देखिए, बस इतना ही हमें चाहिए। इसमें डालना है हमें नमक, थोड़ा कम ही डालिएगा नमक। इसे मैं थोड़ी देर बाजू में रखती हूँ। अब एक मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना बटर। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसमें डालेंगे मेजरिंग कप से नाप के 1/2 कप जितना दूध। दूध थोड़ा सा यहाँ पे गर्म हो चुका है। और ये देखिए, ये जो चीज क्यूब्स है ना फ्रेंड्स, इस तरीके के 2 क्यूब हमें चाहिए। और ये हम कद्दूकस करके दूध के अंदर हम इसे डाल देंगे। इस पूरी रेसिपी में मैंने 2 चीज क्यूब्स यूज किए हैं। 1 कप अगर मैदा ले रहे तो 1 चीज क्यूब, ये मैंने हिसाब रखा था। आपको बहुत ही ज्यादा चीजी सा फ्लेवर चाहिए तो आप 4 चीज क्यूब भी लेंगे ना तो भी चलेगा। दूध गर्म है, चीज भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा इस दूध के अंदर। और ये देखिए, बढ़िया से आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा। इसमें बटरी फ्लेवर भी है, बटर और चीज दोनों में नमक होता है, इसलिए शुरू में मैंने आपको मैदा में नमक कम ऐड कीजिए ऐसा कहा था। अब हम मैदा में पहले सूजी ऐड कर लेंगे। 5 मिनट बस सूजी को रखा था, ये देखिए बिल्कुल ही स्मूद हो जाती है। कहीं भी आपको सूजी का दाना अब आपके चिजलिंग्स या चीज बाइट या चीज मठरी कह लीजिए, इसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि सूजी अपना काम भी कर देगी बढ़िया से और वो दिखने में अभी आपको नजर भी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा किसी को कि इसमें सूजी थी। सूजी डाली क्यों है वो भी रीजन है, बताती हूँ आगे। सूजी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है और ये जो हमने बनाया था मिक्सचर दूध चीज और बटर वाला, ये भी इसमें आ गया। अभी गर्म है फिलहाल, आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें खस्तापन भी आए, क्रिस्पी भी तो लगना चाहिए ना खाने में, तो वो क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा मोयन डालना पड़ेगा। और मोयन के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ऑयल का, 3 टीस्पून जितना ऑयल हम यहाँ डाल रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्म वगैरह नहीं किया। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर हाथों की मदद से आप इसे गूंथ लीजिए। लेकिन इसका डो कैसे लगाना है वो बड़ा जरूरी है। डो अगर सॉफ्ट हो गया तो आप जब हम इसकी रोटियां बेलेंगे ना तो आपको बेलने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी और ये तलते टाइम अपने अंदर ऑयल को भी ज्यादा सोक करेगा। इसलिए डो हमें थोड़ा सा टाइट लगाना है, जैसे कि आप पूरियों के लिए डो लगाते हो। ये देखिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा तेल ऊपर से डाल रही हूँ और इसको चिकना कर लेंगे। इस डो को हमें सॉफ्ट करना है मसल मसल कर, ना कि पानी डाल डालकर। ये चीज आप ध्यान रखें, अगर ये ज्यादा डो गीला रहा ना तो आपके चिजलिंग के ऊपर तलते टाइम छोटे 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 बबल्स आएंगे, जो कि फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको थोड़ा मसल के आपने सॉफ्ट कर देना है, जो कि अब मेरे पास परफेक्ट रेडी है। डो को रेस्ट पे रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आप इसको यूज कर सकते हो। इसके मैंने इक्वल 6 बॉल्स यहां से निकाल लिए हैं। अब एक लोई लेंगे और इसे हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। ये पेड़ा बन जाने के बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सूखे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो डस्टिंग के लिए, जो कि हमने बचा के रखा था। कभी कभी जरूरत पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। इसे आपने सिर्फ एक साइड से नहीं बेलना है, दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए इसे बेल लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे पूरी हमारी ये रोटी बन के तैयार है। इसका थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ, हर तरफ से एक समान है, कहीं मोटी कहीं बारीक, ऐसे नहीं बेलना है। और ये इसका थिकनेस रहेगा। अब इसके जो साइड्स कॉर्नर्स है इन्हें मैं हटा लेती हूँ, एक रैंडम हमारे पास स्क्वायर रेक्टेंगल आ जाएगा। थोड़ा नजदीक से मैं थिकनेस और एक बार आपको दिखा रही हूँ। बस
रोटी चपाती की जो थिकनेस होती है उससे भी आप इसको पतला करेंगे ना तो भी चलेगा। अब बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए आपको इसको कट लगा देना है। पिज्जा कटर से इसको कट करना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। और ये देखिए, इस साइड से हो जाने के बाद स्क्वायर इसको दूसरी तरफ से हम कट करेंगे, और एक एक उठाने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए चाकू ले लीजिए और जस्ट इसे स्क्रैप कर देना है तो सारे एक बार में आप निकाल पाओगे। और ये लीजिए, ये हमारे चिजलिंग्स की साइज है। अब इन्हें परफेक्ट तलने के लिए आप कोई चौड़ा बर्तन लीजिए, यानी कि पैन। और पैन में मैंने लिया है तेल जो कि अच्छा गर्म है। मैंने आपको बताया था कि ये चिजलिंग्स अगर आपने ऐसे ही नॉर्मल गर्म तेल में डाल दिए ना, फूलेंगे, लेकिन थोड़े से फूलेंगे। जो ऐसे बिल्कुल बढ़िया फूले हैं ना, ये ऐसा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वो लाने के लिए तेल पहले हमें अच्छा गर्म चाहिए, और गैस की फ्लेम जब तक ये चिजलिंग्स फूल नहीं जाती तब तक हाई रखनी है। तेल को एकदम धुएंदार गर्म नहीं करना है, वरना तो ये आप जैसे ही आप डालोगे ना पूरा जल जाएगा। ये इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है ना फ्रेंड्स, वो गर्म तेल में डालने की वजह से या हीट के कांटेक्ट में आने की वजह से फूलना शुरू होगा, अपनी रिएक्शन दिखाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप ये तेल में डालो तो गैस की फ्लेम को हाई रखना है, और फिर जैसे ये फूल जाए तो आप फ्लेम को कम कर दीजिए। फिर जाके हम इसे बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक तलेंगे, और तब जाके ये फूला हुआ भी रहेगा और खाने में क्रिस्पी भी लगेगा। इसका जो ये फूला हुआ सरफेस है ये वैसा ही रहे, इसीलिए हमने इसमें थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल किया था। और मार्केट में जो आपको इस तरीके के बड़े डिब्बों में ये चिजलिंग्स मिलते हैं, एग्जैक्टली ये वैसा ही दिख रहा है, शेप भी वैसा है, फूला हुआ भी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन इसमें मैं आपको आज 3 अलग अलग फ्लेवर बना के बताऊंगी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो ऐसे आप बैचेस में सारे ये चिजलिंग्स फ्राई कर लीजिए। एक फ्लेवर हमारा पुदीना से भी रिलेट करता है, तो पुदीने का पाउडर हमें उसमें यूज करना है, पर पाउडर ऐसे मिलेगा नहीं, पुदीने के पत्ते आपके पास होंगे, तो पत्तों को तोड़ के आपने तवे के ऊपर डालना है और इसे गैस के ऊपर आपने धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए गर्म कर लेना है, जब तक ये पुदीना का पत्ता गर्मी की वजह से सूख न जाए तब तक। तो ये काम होते रहेगा। अब हम पहला फ्लेवर देख लेते हैं। हमारा पहला फ्लेवर है मसाला मस्ती, और इसे बनाने के लिए इसके अंदर ले रही हूँ 1/2 चम्मच जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। सभी को साथ में हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपको नॉर्मल जो सफ़ेद नमक है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काले नमक से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये देखिए, हमारा ये मसाला मस्ती वाला जो मसाला है वो तैयार है। अब थोड़े से मैंने एक बोल में ये चिजलिंग्स निकाल लिए हैं, हमारे चीज़ बाइट चीज़ मटरी यहाँ पे आ गई। मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, जैसा भी ज़्यादा कम फ्लेवर आपको पसंद है आप अपने हिसाब से डालें, मैंने तो ये पूरा ही डाल दिया है। अब इसमें एक दिक्कत, मसाला सही से कोट नहीं हो रहा है, जाके नीचे सारा बैठ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सारी चिजलिंग्स को फ्राई कर लिया पहले। जब बड़ी कंपनी में ये प्रोडक्ट बनते हैं, एक तरफ तलने का प्रोसेस शुरू होता है और जैसे ही ये गरम गरम होता है इसके ऊपर दूसरी मशीन से मसाला भी छिड़क दिया जाता है, तो उन्हें अलग से ऐसे तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी केस में ये मसाला चिपके, इसलिए हमारे पास ऑलरेडी गरम तेल है, उसी में से जस्ट 2-3 ड्रॉप तेल आप यहाँ पे गिरा दो और इस तेल की वजह से मसाला इसके ऊपर चिपकने में मदद होगी। या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, पहले से मसाला बना के रखो, जैसे ही आपने थोड़े से चिजलिंग्स फ्राई कर लिए, गर्मा गर्म चिजलिंग के ऊपर ये मसाला डाल देना है, फिर उसकी कोटिंग प्रॉपरली आ जाएगी। और ये हमारे मसाला मस्ती चिजलिंग्स बनकर तैयार है। ये फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग था। आगे के 2 फ्लेवर देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 3ों में से कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब हमारा दूसरा फ्लेवर है टैंगी पुदीना, और ये बनाने के लिए ये जो पुदीना के पत्ते हमने थोड़े से ड्राई कर लिए, इसे हम हाथ से मैश कर देंगे। इसका देखिए आराम से पाउडर हो जाएगा, जितने पत्तों का हो उतना ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है उसको आप हटा दीजिए। हमारे पास लगभग 1 चम्मच जितनी पुदीना के पत्तों की पाउडर आ चुकी है। तो फिर से थोड़े से ये चिजलिंग्स मैंने एक बोल के अंदर लिए, बड़े बोल के अंदर लेना है, फिर ये पुदीना का पाउडर मैंने यहाँ डाल दिया, और नमक जो हमें डालना है वो काला नमक ही होगा 3ों ही फ्लेवर में, तो ये काला नमक डाल दिया। इसे टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आमचूर पाउडर। इस बार ये आप चाट मसाला यूज़ मत कीजिएगा, वरना पहले वाले फ्लेवर में इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। आमचूर पाउडर टैंगी फ्लेवर देगा, खट्टापन लाएगा इसमें।
मसाले का कोटिंग इसको प्रॉपरली बैठ जाए इसके लिए तला हुआ जो तेल था उसे में से थोड़ा सा तेल ऊपर से मैंने छिड़क दिया और एक बार इसे मिक्स कर लिया और ये हमारे टैंगी पुदीना फ्लेवर का चिजलिंग बनके तैयार है जो कि बहुत ही शानदार लगता है। अब आखिरी फ्लेवर वो है सिंपली सॉल्टेड। इसमें बस आपको थोड़ा सा काला नमक ही डालना है और जस्ट थोड़ा सा ऑयल और इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये आपका एक सिंपल सा फ्लेवर बनके तैयार है। जीरा पाउडर आप इसमें डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। तीनों ही फ्लेवर एक से बढ़कर एक है। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हर एक चिजलिंग आपकी ज़रूर फूलेगी अगर मेरी बताई गई ट्रिक को याद रखा। परिवार वाले बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे और आप बाहर से कभी नहीं लाएंगे, खुद बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीनों में से कौन सा फ्लेवर पसंद आया लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।